हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपको पता ही है, संडे को हम क्या करते हैं, अपना करंट अफेयर करते हैं। तो मई के फर्स्ट वीक का हम करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, करंट अफेयर्स मई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ और नए तरीके से किया है, देखते हैं कैसा लगेगा, नहीं तो फिर से हम पुराने तरीके पर चले जाएंगे अपना, ठीक है। पीडीएफ आपको पुराने तरीके से ही दी जाएगी, बस अभी जो वीडियो बन रही है वो अलग पीडीएफ पे बन रही है, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहली न्यूज़ है हमारी, डीआरडीओ ने एक मोबाइल लैब डेवलप की है। डीआरडीओ ने एक मोबाइल लैब डेवलप की है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च की गई है, हैदराबाद में। और किस लिए की गई है, कि जो कोविड-19 है उसकी स्क्रीनिंग को स्पीड अप किया जा सके, ठीक है। मोबाइल वायरोलॉजी लैब, जिसके थ्रू जगह जगह पे जाके कोविड-19 की स्क्रीनिंग की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का पता लगाया जाएगा, ठीक है। और जो लैब बनाई गई है वो WHO के और ICMR के स्टैंडर्ड को बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, जब भी इनको अप्रूवल मिलता है, नहीं तो अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। देखो, अब इस महीने जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो कुछ वैसे करंट अफेयर नहीं है। आप सोचोगे सर स्टैटिक जीके ना आपको मैंने सारी बताई हुई है, ये कोविड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। जैसे ये ICMR का मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, तो रिपीटेटिव करने का कोई मतलब, आपको PDF में तो रिपीटेटिव मिल जाएगा, बट अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जिससे हम ज़्यादा करंट अफेयर को कवर कर सकें, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आपको क्या क्या बताना है मैं वो आपको बता देता हूँ। हैदराबाद तेलंगाना में आता है, ठीक है। तेलंगाना के CM पता होगा सबको, और गवर्नर, ऐसे WHO के वो चेयरमैन एंड ICMR के चेयरमैन, ठीक है भाई। चलें आगे, अगला फेल्यूडा टेस्ट किट। फेल्यूडा टेस्ट किट किस लिए बनाई गई है, फेल्यूडा टेस्ट किट जो है CSIR ने बनाई है। पेपर टेस्ट किट है एक तरीके की। इसमें क्या होगा कि सैंपल्स जो लिए जाएंगे उसको एक पेपर की तरह टेस्ट किया जाएगा, ऐसे एक पेपर स्ट्रिप होगी, ठीक है। उसमें एरो बनी आएंगी, एक लेवल दिया होगा कि इस लेवल पे पॉजिटिव है, इस लेवल पे नेगेटिव है, इस लेवल पे हमारी टेस्ट किट ने सही काम किया है, ठीक है। जो सैंपल होगा उसको उस टेस्ट किट पेपर पे आजमाया जाएगा और फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इसी पेज पे है, जो टाटा सन्स है और CSIR है, उसने एक MOU साइन किया, किस चीज़ का, लाइसेंसिंग ऑफ नो हाउ एंड वांट टू मेक, जो किट है ना हमारी, इसका मतलब है क्या कि जो किट वगैरह हैं उन सबको कोविड-19 की ग्राउंड पे मतलब अवेलेबल कराना एट द एंड ऑफ मई, कि मतलब प्रॉपरली पूरी किट उनके पास प्रोवाइड हो जाए, ओके समझ गए। देखो अब ये एक आपके लिए क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था, तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए चेयरमैन किसको बनाया गया, तो ये राकेश शर्मा जी को बनाया गया, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। अगली हेडिंग वर्ल्ड अर्थ डे, इसमें कुछ अप्रैल के करंट अफेयर भी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट क्लास जो हमारी लास्ट वीक अप्रैल करंट अफेयर होना था वो हमने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि उस दिन इंग्लिश की क्लास हुई थी, तो आज हम उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया, 1970 को, और अब इसमें 193 कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुकी हैं और 193 कंट्रीज इसको सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका ने क्या लॉन्च किया है, गेट गो फॉर स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकें ऑनलाइन तरीके से। कर्नाटका की बात करें तो आपको पता है वहाँ के CM कौन है, YS येदियुरप्पा, ठीक है, येदियुरप्पा। और आपको इसके गवर्नर का नाम आपको कमेंट करके बताना है, हुवाई इंडिका नहीं है, ये इंडिया है, ठीक है, हुवाई इंडिया। नए CEO बनाए गए हुवाई इंडिया के, अब डेविड ली को बनाया गया है नया CEO, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अपॉइंटमेंट हुई है, एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, तो अपॉइंटमेंट को ध्यान रखना है। PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, आप अभी पढ़ लीजिए, नोट्स बनाने तो नोट्स बना लेना। नेशनल पंचायती राज डे, नेशनल पंचायती राज डे की बात करें तो किस दिन मनाया जाता है, सबको पता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया, 2010 में, और उसके बाद से हमेशा 24 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। अब और बातें जाने तो पंचायतों का गठन कब से होना शुरू हुआ, तो ये 73वां अमेंडमेंट होता है हमारे संविधान में, उसी के तहत पंचायतों का गठन होना शुरू होता है। पहली पंचायत राजस्थान के नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर में, नागौर जिले में पहली पंचायत बनाई गई थी, ग्राम पंचायत, ठीक है।
चलिए अगला, ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किसने लॉन्च किया? तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका तीसरा एडिशन है। ठीक है, किस लिए? कि जो वाटर बॉडीज हैं उसको प्रिपेयर रखना बिफोर मानसून, कि मानसून से पहले जो पानी की कमी होगी उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी मतलब क्या होने वाला है, मानसून आएगा, मानसून से पहले क्या होता है नदियों में गाद वगैरह जम जाती है जिससे काफ़ी मिट्टियाँ जम जाती हैं और बाढ़ आने का खतरा बन जाता है, तो नदियों की सफाई की जा रही है। ठीक है, और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनकी मतलब जो भी नदियां हैं नहरें हैं उन सभी की सफाई की जाएगी, उसमें से मिट्टी निकाली जाएगी जिससे वो गहराई उनकी बनी रहे और बाढ़ आने का खतरा कम हो। उसके बाद माय बुक माय फ्रेंड कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनियन HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया था माय बुक माय फ्रेंड कैंपेन सोशल मीडिया पे। ठीक है, किस दिन? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के दिन, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। ओके, क्लियर है? इतना अच्छा लग रहा होगा आज आपको डिटेल करंट अफेयर मिल रहा है, पहले मैं बस मेन मेन पॉइंट्स लिख देता था, आजकल आपको उसकी और कुछ डीपली बातें ही बता रहा हूँ। अब वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 में ठीक है बनाया गया, 2020 में जो बनाया गया इस बार क्या रखा गया? थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, इस बार की थीम ये है। ठीक है, तो वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम पूछी जाए तो आपसे क्या होगी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। उसके बाद आगे बात करें, आपको मैं कुछ बाद में वन लाइनर भी दूंगा, डोंट वरी। इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रोल इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, देखो इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे क्या होता है, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के बीच में और जनरल असेंबली और मतलब अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे जो वो होते हैं रिश्तों के बीच में जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम डेलीगेट्स कहते हैं, जो हमारे विदेशों में काम करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे किस दिन मनाया गया? 23 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और इस दिन में आपको पता है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कराया जाता है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की एक यूनिट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ठीक है, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है वर्ल्ड बुक डे को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक इसमें कितनी है? 142। ये गलत लिखी हुई है, इंडिया की नहीं है, टोटल कंट्रीज बताई गई हैं इसमें, 180 कंट्री हैं। भारत की रैंक इसमें 142 है, पहले 140 थी, अब दो और गिरा दी है। ठीक है, इसके पीछे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इनके डाटा के ऊपर हम क्लेम करेंगे कि आपने गलत रैंकिंग दिखाई है, पेड हो आप, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने इसमें बोली है। IMMA के न्यू चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो IMMA का न्यू चेयरमैन बनाया गया राकेश शर्मा को। ठीक है जी, ये तो पीछे पढ़ भी चुके हैं। एंग्लो मणिपुर वार, ये थोड़ा सा प्रीवियस बात है, इसको जान लेते हैं। एंग्लो मणिपुर वाज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड किंगडम ऑफ मणिपुर। ठीक है, ये वैसे मैं आपको उसमें हिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूँ, बट ये यहाँ पे इसलिए क्यों आया क्योंकि इसमें जो बात हुई थी ना वो थोड़ी सी 27 अप्रैल की बात है, 27 अप्रैल को ये ख़त्म हुआ था, तो इसलिए इसको आज के दिन याद किया जाता है कि 27 अप्रैल को एंग्लो मणिपुर वार होता है, बट मैं इसको आपको हिस्ट्री में भी डीप तरीके से पढ़ा चुका हूँ, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टर क्लास 10। अब USDMA ने एक लॉन्च किया क्या? कोरोना वायरस पोर्टल, जिसका नाम रखा है दृष्टि। ठीक है, ये ANI की खबर है, उत्तराखंड इंडिया, उत्तराखंड में हुआ है, USDMA ने उत्तराखंड में किया है इसको। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ पोल की जो ओजोन लेयर है वो हैज़ बीन क्लोज्ड कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द COVID-19 लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऐसा कुछ इन्होंने वो बोला नहीं है कि COVID-19 की वजह से हुआ है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, COVID-19 की वजह से ये हील नहीं हुई है, वहाँ पे जो समुंदर है उसमें क्या होता है मतलब चक्रवात की तरीके से आया जिसकी वजह से वो ऐसे वहाँ पे लेवल कम हो गया पोल्यूशन लेवल और जो ओजोन को हार्म करते हैं, और उसी हिसाब से नॉर्थ पोल पे ओजोन लेयर की फिलिंग हो गई है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से हील हो चुकी है। ठीक है, मिडल डिस्टेंस रनर नहीं है ये, मैराथन डिस्टेंस रनर बोल लेंगे या डिस्टेंस रनर। झुमा खातून को बैन कर दिया गया 4 साल के लिए, किसके द्वारा? इंटीग्रिटी यूनिट ऑफ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी नाडा के द्वारा। ठीक है, नाडा और वाडा दोनों ने इसको बैन कर दिया है, क्लियर? किस लिए? 4 साल के लिए बैन किया है, इनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया था इसलिए। अब बात करें तो एक्सिस बैंक ने
29% स्टेक खरीद लिया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। ऐसी भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ डील करी है 5G नेटवर्क के लिए $1 बिलियन की। ये $1 बिलियन नहीं होगा, विथ IB34 स्ट्रॉन्ग, ये गलत है, यहाँ पे $1 बिलियन नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट कौन है? कल्पेश सत्येंद्र जावेरी। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक जीके डाली थी मैंने वन लाइनर की फॉर्म में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अब ये देख लेते हैं जो हमारे अब नए यूनाइटेड नेशन में हमारे डिप्लोमेट होंगे। ये डिप्लोमेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, डिप्लोमेट की स्पेलिंग ये होती है, ये जिसने टाइपिंग किया ना सर ने, उन्होंने गलती कर दी उसमें, डिप्लोमेट। तो TS त्रिमूर्ति ने नए डिप्लोमेट बनाए गए हैं कहाँ के? यूनाइटेड नेशन के। और एक वाइटल लॉन्च किया गया, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद आपको बताया नहीं बताया, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। वाइटल लॉन्च किया गया, इसका मतलब क्या है? वेंटिलेटर इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली मेड बाय नासा। नासा ने इसको बनाया है वाइटल, एक तरीके का वेंटिलेटर है, ठीक है, जो वहाँ पे आपको पता ही है अमेरिका में कितना बुरा हाल है इस टाइम कोरोना वायरस का, तो नासा ने वहाँ के लिए एक ये बनाया है। ठीक है, चलें आगे। अब मणिपुर का ब्लैक राइस है, उसका नाम है चकाओ, उसको क्या मिल गया है? GI टैग मिल गया है। ठीक है, और फुटबॉल लीजेंड चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे मणिपुर का ब्लैक राइस होता है, उसका नाम है चकाओ, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले आगे। ADB ने $346 मिलियन का लोन दिया किसको? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए। और इसी के साथ मुझे एक खबर और याद आ गई है, AIIB, ठीक है, AIIB ने $500 मिलियन का लोन दिया इंडिया को, किसके लिए? हेल्थ सिस्टम के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की वजह से। चले आगे। अब एक ये डे भी होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेना आप, इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रैंक्ड, तो बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रैंक में हमारी भारत की रैंक कितनी रखी गई है? 63 रैंक है इसमें। ठीक है, और जो एडवाइजरी नहीं है, एडवाइजर है, एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया, गूगल पे इंडिया के एडवाइजर किसको बनाया गया? शिखा शर्मा को, पता है नहीं, पहले SBI में थी। तो बस आज का इतना ही करंट अफेयर है हमारा, छोटा सा सेशन बनाया 12 मिनट का, आप ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। PDF में ट्राई करता हूँ कि आपको पुराने वाले फॉर्मेट में दी जाए विथ स्टैटिक GK, वैसे स्टैटिक GK इसमें कोई ज़्यादा आई नहीं है। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से पुराने वाले फॉर्मेट में मिलने वाली है, इस वाले फॉर्मेट को बस ट्राई किया गया था, अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना, इसी फॉर्मेट में कर लेंगे, नहीं तो आपकी पुराने फॉर्मेट में ही वीडियो आएगी जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक GK मिलती है, ये आपके लिए बस एक नया ट्राई किया गया था। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए हो चैनल पर। थैंक यू।